आपको बताएं, ममता सरकार के खिलाफ बंगाल में बीजेपी ने जंग छेड़ दी है। कोलकाता सहित बंगाल के कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की जा रही है। कोलकाता में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये झड़प हुई। आंसू गैस के गोले दागे गए कार्यकर्ताओं पर, पानी की बौछार भी की गई। पुलिस बीजेपी कार्यकर्ता को हिरासत में भी लेकर गई है। कई जगह पथराव भी किया गया, हिरासत में कई बीजेपी कार्यकर्ता लिए गए हैं। तो कोलकाता में बीजेपी का हल्ला बोल। ताजा अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे, हमारी संवाददाता पियाली मित्रा हमारे साथ है। पियाली, क्या तस्वीरें अभी आप देख पा रही, स्थिति क्या है? क्योंकि जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता कई हिरासत में लिए गए हैं, कईयों पर पानी की बौछार की गई, एक तरीके से हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए प्रदर्शन के। अभी आप उसी जगह पर मौजूद हैं और फिलहाल ताजा स्थिति क्या है? देखिए, अभी ताज़ा स्थिति यही है कि शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के लीडर एलओपी जो है, उनको अरेस्ट किया गया है। सुकांतो मजुमदार जो बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उनको भी अरेस्ट करके लेके गया है। और कई सारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, उनको यहां से गिरफ्तार करके लेके गया है पुलिस। और कुछ ही देर पहले यहां की सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुका था, क्योंकि यहां हजारों की तादाद में बीजेपी वर्कर्स जो है यहां मौजूद हुए थे। यहां पर बीजेपी के जो वर्कर्स के साथ पुलिस का हाथापाई तक होने लगा। और ये जो आप बैरिकेड देख सकते हैं, इसको एकदम इसके ऊपर से वो जाने की कोशिश कर रहा था और पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। जब बीजेपी वर्कर्स इसको उछाल के यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, तब पुलिस की तरफ से वाटर कैनन चार्ज किया गया, उसके साथ साथ टीयर गैस भी चार्ज किया गया और एक साथ साथ लाठी चार्ज भी किया गया। और जो वर्कर्स थे, बीजेपी के जो वर्कर्स थे, उनके तरफ से भी कहीं हम लोगों ने देखा कि वाटर बॉटल, कहीं बांस, तो कहीं लाठी फेंका गया है। तो कई पुलिस जो वर्कर पुलिस कर्मियां है, उनमें जब कुछ लोग इंजर्ड हुए, इसके साथ साथ कुछ बीजेपी वर्कर्स वो भी इंजर्ड हुए। और आज तीन जगह से बीजेपी का जो स्ट्रेटेजी था कि तीन जगह से तीन बीजेपी लीडर ये लीड करेगा और ये नवान्नो बंगाल की जो सेक्रेटरियट है वहां तक जाएगा, पर तीनों जगह पे ही स्थिति बहुत खराब हो गया कि वाटर चैनल का बौछार करना पड़ा, टीयर गैस का यूज इस्तेमाल करना पड़ा। और अभी हालांकि इस जो स्थिति है, मैं आपको एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगी, यहाँ पर ही कुछ ही देर पहले, आधा घंटा से एक घंटा पहले, यहाँ पर जो स्थिति एकदम युद्ध क्षेत्र की तरह हो गया था कि पुलिस के साथ इतना खराब हालो, इतना पुलिस के साथ तानाशाही चल रहा था, पुलिस के साथ झड़पें चल रहा था। और अभी जो है कि पुलिस यहाँ पर, पुलिस का जो है तैनात फिर से किया गया है, क्योंकि यहाँ से फिर से कोई बीजेपी वर्कर आके स्थिति बदल ना जाए, बिगड़ ना जाए, इसीलिए पुलिस प्रोटेक्शन अभी भी है और बीजेपी के कई सारे लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया है। जी, तो फिलहाल स्थिति आप देख पा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये ताजा जानकारी हमारी सहयोगी ने भी दी। और ज्यादा जानकारी हम आपसे पियाली आगे भी लेते रहेंगे। इस पूरी खबर पर फिलहाल आपका धन्यवाद करेंगे। आगे बढ़ते अगले